इतना गजब का फॉग हो रहा ना, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश की बूंदे भी पड़ रही है। अहमदाबाद के सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट ये है, कालूपुर रेलवे स्टेशन के पास में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं फिर से एक अच्छा सा ब्लॉग के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी है बहुत गजब वाला मौसम हो रहा है, बिकॉज कल ही बहुत अच्छी सी बारिश हुई और सुबह से बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश तो हुई नहीं है। जैसा कि आप वेदर देख सकते हो, आसमान देख सकते हो, कितना गजब का फॉग हो रहा है ना। तो इसीलिए बस मेरा मन किया कि चलो भाई एकदम मस्त वाला ब्लॉग शूट करते हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में ब्लॉग बनाने का तो मज़ा ही कुछ नेक्स्ट लेवल वाला होता है। सो फाइनली आपका भाई निकल चुका है एक और नए ब्लॉग के लिए। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एंड तक, ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना, आपको आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। जिन लोगों को बारिश से बहुत ज़्यादा प्यार है, जिन लोगों को नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो हमेशा मेरे ब्लॉग में एंड तक देखा करो, क्योंकि आप लोग के अलग नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग आपका भाई दिला देता है आपको आपके नेचर के लिए। ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखते रहना। चलो 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 यहाँ से निकल लो। और हाँ दोस्तों, अभी बज रहा है 2 बजे के आसपास का टाइम है दोपहर के, तो इस वजह से शायद ट्रैफिक हमें कम मिले, लेकिन इस रोड पर इतनी गजब वाली ट्रैफिक होती है ना, अगर आप 1 किलोमीटर भी आपको चलना हो तो कम से कम आपको 15 मिनट का टाइम निकाल के चलना रहता है। लेकिन अभी दोपहर का 2 बज रहा है और मौसम भी इतना गजब का हो रहा है, तो हम निकल चुके भाई साहब। क्या भाई, ऐसे मौसम के लिए तो हमेशा इंतजार ही करता रहता है। और हाँ, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी पड़ रही हैं, जो एक अलग लेवल वाली फीलिंग हमें दे रही है। तो कुल मिला के भाई साहब आज का ब्लॉग हमारा एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होने वाला है। और हाँ, ये अहमदाबाद की सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट ये है, किसी को भाई फ्रूट परचेस करने हो तो होलसेल में तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ओहो गाय माता। और हाँ दोस्तों, आपका भाई बहुत एक लंबी ट्रिप के बारे में सोच रहा है, लगभग यहाँ से 200-250 किलोमीटर के आसपास की ट्रिप है अगर आप बताओ। और हाँ, अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, अगर आप लोग कमेंट में हाँ लिखते हो, तो ही उस ट्रिप को मैं फॉलो करूँगा। वही ट्रिप आपको मैं बाद में ही दूसरे वीडियो में आपको मैं रिवाइव कर दूंगा कि किस तरह का मैं कहाँ पे 200-250 किलोमीटर दूर जाके वीडियो शूट करने वाला हूँ, ब्लॉग बनाने वाला हूँ। अगर आप हाँ कहते हो, अगर आप सपोर्ट करते हो, तो मैं उस जगह पे जाऊँगा। लेकिन अगर आपका ही सपोर्ट नहीं रहेगा तो भाई मेरा उस जगह जाना है कोई भी तरह का मतलब नहीं रहेगा। जिन लोग को अच्छा लगता है सिटी का ब्लॉग देखने के लिए, तो भाई उनके लिए तो सिटी वाले ब्लॉग तो आते ही रहेंगे। जैसा कि आप देख ही सकते हो, इस तरह के ब्लॉग आपको डेली 1 या 2 दिन बाद मिलते ही रहेंगे। बिकॉज दोस्तों मेरे 2 चैनल है, एक चैनल पे दूसरे चैनल पे मुझे काम करना रहता है, ये चैनल मेरा ब्लॉग चैनल है। अगर इस पर अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा, आपको जिस तरह के ब्लॉग चाहिए मुझे बताइए, आपके लिए वो ब्लॉग भी बहुत जल्दी लेके आऊँगा, बहुत अच्छी अच्छी से अच्छी लोकेशन आपके लिए लेके आता रहूँगा। लेकिन बस आप लोग सपोर्ट तो करो यार, आपका सपोर्ट ही नहीं मिल रहा हमें। मैं सोच रहा हूँ कि आप बस एक बार सपोर्ट करके देखो इस भाई को, एक बार आपने सपोर्ट किया ना यार, फिर आप देखना आप खुद कहोगे यार सच में कोई तो नेक्स्ट लेवल वाले भाई को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इस वक्त मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी मुझे थोड़ी एक जगह से कुछ सामान परचेस करना था अपने काम के लिए, जो मैं काम करता हूँ साइड में थोड़ा इनकम के लिए, तो उस जगह पे मुझे किस चीज़ की परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ी। तो अभी हम जा रहे हैं, जिन लोगों को पता होगा अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, कालूपुर मंडी, कालूपुर रेलवे स्टेशन के पास ही पड़ती है जहाँ पर मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो वही चीज़ हम बस परचेस करने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा, मौसम भी इतना मस्त हो रहा है, तो चलो क्यों ना एक ब्लॉग ही शूट कर लिया जाए। तो फाइनली ब्लॉग शूट हो रहा है। और हाँ, आई होप आप लोग इन्जॉय भी कर रहे हो, अगर इन्जॉय कर रहे हो तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दो यार। लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक कर दो, चलो चलो अभी के अभी लाइक कर दो। और हाँ, आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, जितने कमेंट आ रहे हैं ऑलमोस्ट ऐसे कमेंट है कि आपकी जो पल्सर की जो टॉप स्पीड है वो चेक करके दिखा दिए। तो भाई देखो, आपकी भी ये डिमांड बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, क्योंकि ये टॉप स्पीड कहाँ चेक होगी, जब हम किसी एक अच्छे से हाईवे पे ट्रिप के लिए निकलेंगे तभी तो आपकी ये डिमांड पूरी होगी ना। तो जब भी मैं याद रखूंगा इसी को, कभी मैं हाईवे की ट्रिप पे निकलता हूँ कोई अच्छे से हाईवे पे, तो ये भी आपकी जो डिमांड है पूरी करके ही रहूँगा। पल्सर 220 की टॉप स्पीड आपको चेक कराऊँगा, क्योंकि अभी तक मुझे भी नहीं पता है, बस रिव्यू में मैंने देखा हुआ 140 से 150 तक जाती है। लेकिन जेन्युइन बताऊँ, सच बताऊँ दोस्तों, मुझे भी नहीं पता कि इसकी अभी टॉप स्पीड कितनी है। लेकिन इतना है कि 100 के आसपास मैं अभी इस गाड़ी को ले जा चुका हूँ, 100 के स्पीड के आसपास। तो इसमें मुझे इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, मतलब किसी भी तरह का इसमें वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है ना 220 का BS6, इसमें किसी भी तरह का मुझे वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता है। कितना मस्त डेकोरेट किया था ना कल के लिए, कल क्या रथ यात्रा यहाँ पे निकली हुई थी, इस वजह से यहाँ पे बहुत गजब वाली भीड़ भी बहुत थी, सभी रास्ते बंद थे, यहाँ पे एक गाड़ी भी नहीं थी। इतनी तो आर्मी पुलिस फोर्स इतनी जोरदार की मतलब यहाँ पे तैयारी की गई थी,
देखो रथ यात्रा गए, जगन्नाथ भगवान गए, सारा का सारा फिर से डेली लाइफ में अपने बिजी हो गए। अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं कालूपुर रेलवे स्टेशन के पास में, बस यहाँ से 100-150 मीटर के आसपास पड़ता है कालूपुर रेलवे स्टेशन। अब यहाँ हमें मिलेगी थोड़ी बहुत ट्रैफिक, बिकॉज यहाँ चाहे रात को 2 बजे क्यों ना, फिर भी यहाँ आपको ट्रैफिक मिलती ही मिलती है। मेन सिटी पड़ती है ना यार कालूपुर। मेरा भी मन बहुत दिनों से कर रहा था कि क्यों ना मैं आपको कालूपुर रेलवे स्टेशन दिखाऊँ, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेशन है रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे 13 से भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म बन चुके हैं यहाँ पे हाल फिलहाल। जहाँ तक मेरी नॉलेज है शायद इतना ही है कि इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यही है, क्योंकि यहाँ पे 13 से भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। हो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है यार, सिग्नल बंद है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। जाना तो हमें यहाँ से लेफ्ट है, लेकिन थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से रॉन्ग साइड पड़ती, रॉन्ग साइड में जाना मना है यहाँ पे। अरे यार कहाँ से निकलूँ अब मैं, यही दिक्कत होती, बस मुझे यही चीज़ नहीं अच्छी लगती। अब यहाँ से हम ले लेते हैं शॉर्टकट ताकि हमें ट्रैफिक नड़े ना। चप्पल मार्केट, यहाँ सब होलसेल की चप्पलें और स्वीट्स वगैरह मिलते हैं, ड्राई फ्रूट सबके होलसेल की शॉप है यहाँ पर। कपड़ा मार्केट भी है भाई साहब, बहुत बड़े बड़े मार्केट है यहाँ पर, सब बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं यहाँ पर होलसेल के। हाँ मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा ज़रूर कालूपुर रेलवे स्टेशन का जो फ्रंट लुक है ना, जो सबसे आगे वाला जो मेन गेट है वो मैं आपको दिखाऊंगा, कितना गजब वाला लगता है, देखना आप उसको, बहुत अच्छा लगता है। और लिटरली गाइस मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि हर सिटी में मैंने जहां तक देखा, दिल्ली हो चाहे उत्तराखंड हो चाहे ऐसे बड़े बड़े जो शहर हैं, अहमदाबाद भी कोई छोटा शहर नहीं, अहमदाबाद भी बहुत बड़ा शहर है गुजरात का, लेकिन हर एक सिटी में मोटो ब्लॉगर या ब्लॉगिंग करने वाले बंदे मिल जाते हैं। लेकिन जेन्युइनली लिटरली मानो कि मुझे विश्वास नहीं होता भाई साहब, यहाँ ब्लॉगर ही नहीं है अहमदाबाद में। देखो दोस्तों ये रहा रेलवे स्टेशन का मेन गेट, कालूपुर रेलवे स्टेशन, जैसे आप देख सकते हो हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में दोनों लिखा हुआ है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। ये देखिए कितना गजब बनाया ना, सबसे पुरानी से पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे, लेकिन बाहर से दिखने में बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, बहुत समझो 50-60 साल पुरानी, उससे शायद उससे भी ज़्यादा भी हो, हालत देखो तो ऐसे ही लगता है, लेकिन अंदर से इन लोग को इतना ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं ना ये लोग, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली गाइस हमें आना था यहीं पे, यहीं से मैं अपनी चीज़ को लेता हूँ, अपनी जो वस्तु मुझे चाहिए थी वो मैं लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। वेदर देखो यार, मौसम कितना गजब हो रहा ना यार, नेक्स्ट लेवल वाली। और हाँ अगर थोड़ा हम ओपन एरिया में जाते हैं, जहाँ खेत हों, जब फार्म हाउस होते हैं लोगों के, उस एरिया में जाएं तो भाई साहब इससे भी कई गुना अच्छा लेवल वाला हमें मौसम मिलेगा। चलो तो भाई साहब साइड खुल चुकी है, अब चलते हैं। पर क्या मैं चाहूँ ना तो भाई मैं निकाल सकता हूँ बड़े आराम से रस राइडिंग करके, लेकिन मैं रस राइडिंग करना नहीं चाहता, क्योंकि इससे क्या लोग भी आजू बाजू वाले जो होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं, तो इस वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना। मैं तो अपने हिसाब से किसी भी तरह से कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन जो आजू बाजू के लोग होते हैं ना रस राइडिंग देख के उनका कंट्रोल बाहर हो जाता है। फाइनली गाइस जो हमें सामान लेना था, जो भी हमें चीज़ लेनी थी वो हमने ले चुके हैं, और चल दिए अपने फिर से भाई साहब, दिखाते हैं आपको गजब गजब वाले व्यू। और सच में यार लिटरली गाइस इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है ना, क्योंकि अहमदाबाद में भी 47-48 डिग्री के आसपास है ना तापमान रहता है, लेकिन बारिश नहीं हुई है, जैसा कि आप पानी देख रहे हो इतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यार इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। वेदर अच्छा है ना, इस वजह से जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठंडा मौसम है तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ आप लोग भी गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके एरिया में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो जब इतना पीछे लगे जब फिर भी बंदे को देखो इतनी तेज चलने की क्या ज़रूरत है, अभी कहीं भी ऐसे एक्सीडेंट हो सकता है ना, चलते हैं चलते चलो। पर ये दूसरी साइड निकल गया, हमें जाना था लेफ्ट, हो जाएगा राइट साइड, हाँ वो राइट साइड निकल गया। और हाँ दोस्तों अगर आपको रस राइडिंग देखना अच्छा लगता है कि हाँ मैं रस राइडिंग देखने का शौकीन हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं आपके लिए अलग से एक रस राइडिंग का ब्लॉग लेके आऊँगा, तो
भी पब्लिक रिएक्शन के साथ में कि किस तरह का रस राइडिंग पे पब्लिक का रिएक्शन होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई कमेंट कर देना, तो ताकि मैं जल्द से जल्द वो वीडियो लेके आ सकूँ, वो ब्लॉग बना सकूँ आप लोगों के लिए। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अपनी जो मेरी जो पल्सर 220 गाड़ी है उसके अंदर किस तरह का एग्जॉस्ट लगाना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा लाउडली हो। हाँ, मैं एग्जॉस्ट लगाने के बारे में सोच रहा हूँ कि जो लाउडली हो, अच्छा भी लगे, पब्लिक का रिएक्शन कैच भी करे, तो ऐसे एग्जॉस्ट की मैं तलाश में हूँ। अगर आपको ऐसा कोई एग्जॉस्ट पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा ताकि मैं वो एग्जॉस्ट लगा सकूँ। वाह, 80 क्रॉस गई थी। रस राइडिंग करने का मज़ा तो रियली गाइस सच बताओ हाईवे पे ही है। यहाँ सिटी में क्या होता है, अगर आप थोड़ी सी 50 या 60 के आसपास जाते हो तो आपको तुरंत ब्रेक मारनी पड़ती है, बिकॉज आगे इतने ट्रैफिक ही मिल जाता है। गाइस, अब हम करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको ब्लॉग आज का अच्छा लगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो भाई दबा के वीडियो को लाइक कर दो यार। आप लाइक नहीं करते यार, आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूं, आपके लिए इतना अच्छा अच्छा वीडियो कंटेंट लेके आता हूं, आप लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो ताकि अपने भाई की फैमिली का हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा लोग बन सके। और आप भी अगर वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो अपने इस भाई के लिए, छोटा सा इतना काम तो कर दो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत। और फिर भैया निकल जान दो यार।